हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडू शील्ड। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जनरल अवेयरनेस सीरीज को, और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो भी बच्चे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन? ए ऑप्शन है आपके पास कॉपर, बी है आपके पास सिल्वर, सी है ब्रॉन्ज और डी है ब्रास। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पहला मेटल था जो कि यूज किया गया था मैंस के द्वारा। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। तो आपको याद रखना है कि कॉपर मेटल था जिसको सबसे पहले ह्यूमन ने यूज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वॉज। अब क्या इन्वेंशन थी सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन? ऑप्शन दे रखा है आपके पास फायर, बी ऑप्शन आपके पास पोर्टर्स व्हील, सी है मेटल इम्प्लीमेंट और डी ऑप्शन आपके पास स्पिनिंग ऑफ क्लोथ्स। तो करेक्ट आंसर है इसका फायर। ठीक है, तो फायर की खोज वो उस वक्त की ग्रेटेस्ट इन्वेंशन थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेन चैनल्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। ए ऑप्शन है इंस्क्रिप्शंस, बी कॉइंस, सी पाम एंड ब्रीच लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट और डी ऑप्शन हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। अब क्या मेन ऑक्यूपेशन था उनका? ऑप्शन आपके पास एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, हंटिंग और ट्रेड। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पा वॉज मेड अप ऑफ। अब वो जो आपको फेमस फिगर मिली थी आपकी डांसिंग गर्ल की, वो किस चीज से बनी हुई थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन स्टीटाइट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो इज नोन एज माउंट ऑफ ग्रेट, माउंट ऑफ द सर्वाइवर, माउंट ऑफ द लिविंग एंड माउंट ऑफ बीफ डेड। ठीक है, माउंट ऑफ डेड। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माउंट ऑफ डेड। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। तो आपको बताना है कि जो ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है कब डिस्कवर किया गया? ठीक है, और मेन आपको इसमें ये बताना है कहाँ पे किया गया, हरप्पा के अंदर, लोथल के अंदर, मोहनजोदारो के अंदर और रोपर के अंदर। तो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है आपका सी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोहनजोदारो। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच गॉड लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस एज फर्स्ट डेटी ड्यूरिंग द लेटर वेदिक पीरियड। ऑप्शन आपके पास वरुण, अग्नि, इंद्र और रुद्र। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, वरुण है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद। ऑप्शन आपके पास मोरत, अग्नि, शक्ति और वरुण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, वरुण। ठीक है, तो वरुण जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी वॉज लॉन्च्ड हिज फर्स्ट, ठीक है, सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। अब कहाँ पे लॉन्च किया गया था सक्सेसफुल सत्याग्रह? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, चंपारण के अंदर। ठीक है, तो गांधी जी वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने चंपारण के अंदर सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वैदिक डिटी इंद्र वॉज द गॉड ऑफ। अब जो आपके वैदिक डिटी थे आप इंद्र, वो किसी से गॉड थे? विंड के, इटर्निटी के, रेन एंड थंडर के या फायर के? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, रेन एंड थंडर। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, विच इज द ओल्डेस्ट वेद। अब आपको बताने की इनमें से कौन सा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेदा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। द वर्ड
विद फ्रॉम विच वेदा हैज बीन डिराइव्ड मीन्स. अब विद का मतलब क्या होता है, जो कि वेदा से लिया गया है, ठीक है. क्या मतलब है, गॉड होता है, डॉक्ट्रिन होता है, नॉलेज होता है, होली होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है आपका सी, नॉलेज. तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. उपनिषद ऑल्सो नोन एज द वेदांतास आर इन नंबर्स. कितने नंबर्स में, 96 है, 105 है, 108 है, और लास्ट ऑप्शन आपके पास 112 है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 108 है हमारे पास, ठीक है. 108 उपनिषद है हमारे पास. तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द हिपी ऑफ म्यूटिनी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके पास ऐसे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डेलहाउस, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड लिटॉन. तो करेक्ट आंसर आपके पास लॉर्ड कैनिंग, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट मेंशन इन द रामायण एंड द महाभारत. इनमें से कौन सा किंगडम मेंशन नहीं है. पहला आपके पास पांचाल, काशी, कौशाम्बी और मगध. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ए नहीं सी है, ठीक है. कौशाम्बी करेक्ट आंसर है सी, आपसे नोट पूछा है, ठीक है. तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है. चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एशियन टाइम स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटी इज डिस्क्राइब्ड इन. ठीक है, बताने किसके अंदर है, महाभारत के अंदर, तांगिनी के अंदर, अर्थशास्त्र और लास्ट में आपका है मनुस्मृति. तो आपको बताने इनमें से किसमें डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्राइब कर रखा है हमारा एशियन टाइम का स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटी के बारे में. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र. ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर आपके गिवन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पेंटेड ग्रे वेयर, द पेंटेड ग्रे वेयर PGW बिलोंग्स टू द हरप्पन सिविलाइजेशन, द वैदिक एज, द नियोलिथिक एज और नॉन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द वैदिक एज. तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट्स नोन एज. जो आपको डिवाइडेड दो सेक्ट्स के अंदर, तो कौन कौन से हैं. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्वेतांबर और दिगंबर. ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय. जो आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसने रखा था, अशोका ने, कनिष्क, चंद्रगुप्त या फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास हर्षवर्धन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क. ठीक है, कनिष्क जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो ये हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है हमारा जनरल अवेयरनेस. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे रिलेटेड वीडियोज आपके पास पहुँचते रहे. और भी किसी भी अपडेट के लिए एंट्रेंस रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.